उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की 2600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें पिथौरागढ़ जिले में 220 पदों पर भर्ती निकली है। और आपको बता दें कि इसके लिए एक बार फिर से पिथौरागढ़ की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक पिथौरागढ़ में आवेदन नहीं किया था, वे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने पिथौरागढ़ में आवेदन कर दिया था और उनका फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया, तो वे अभ्यर्थी भी दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो दोबारा से जो विज्ञप्ति निकाली गई है, वो इसलिए निकाली गई है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 50% से कम अंक थे, तो उनको यहाँ पे छूट दी गई है। साथ ही यहाँ पे 6 महीने की छूट दी गई है। तो इस वजह से ये विज्ञप्ति जो है वो दोबारा, संशोधित विज्ञप्ति जो है वो दोबारा निकाली जा रही है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही फॉर्म फिल कर दिया था, उनको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा सेवा नियम 2012 एवं उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा पंचम संशोधन सेवा नियम 2019 के निहित प्रावधानों के अधीन जनपद पिथौरागढ़ प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ग्रेड थर्ड वेतन जो कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 लेवल सिक्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जो उस कार्यालय के प्रथम संख्या जो कि यहाँ पे दिया गया दिनांक 21/11/2020 के दैनिक जागरण अमर उजाला में विज्ञापित प्रकाशित की गई थी। और इस वजह से यहाँ बताया गया कि इसमें एक बार जो फिर से है वो यहाँ पे छूट दी गई है। तो इसमें जो अधिकतम आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी। और यहाँ पे दिया गया है कि शासनादेश संख्या जो कि यहाँ पे दिया गया दिनांक 17/12/2020 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 24/12/2020 के क्रम में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या जो कि यहाँ पे दिया गया पारित अंतरिम अनुपालन में 29 जुलाई 2011 से पूर्व स्नातक में 50% से कम बीएड डीएलएड कोर्स में प्रवेश हो चुके अभ्यर्थी प्रोविजनल रूप से तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आवेदन पत्र सम्मिलित किए जाने हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को 21 जनवरी 2021 तक शाम 5 बजे तक कार्यालय जो है वो स्वीकार करेगा। तो आपको जो है 21 जनवरी तक ये फॉर्म जो है वो भेजना है। 21 जनवरी से पहले पहले आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर निकाला गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पिथौरागढ़ का पिन कोड मिल जाएगा। पिथौरागढ़ का पिन कोड इस प्रकार से यहाँ पे 2625-01 और जो फॉर्म है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा। और इस प्रकार से ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ का। इसमें आवेदक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम और इस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म भरना है। इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाई हुई है जिसमें बताया है कि फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। तो आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर ये फॉर्म जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर करके समय रहते 21 जनवरी से पहले पहले आप भेज सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, केवल वही भरें। और जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही पिथौरागढ़ के लिए आवेदन कर दिया है, उनको इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है।